हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। एक सनसेट, तो सनसेट के लिए सबसे पहले मैं हमेशा की तरह शीट को वेट कर लेता हूँ। तो पेपर आज भी मेरा 100% कॉटन ही है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले येलो कलर, येलो गैम्बोज, कैडमियम, येलो डीप, कोई भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा यहाँ पे ज्यादा पानी दे दिया, थोड़ा फॉगी इफेक्ट भी दिखाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रे भी कर देते हैं ताकि थोड़ा वाइट हो जाए। वो एक काम करते हैं, ड्रायर से सुखाते हैं। अब चलो, फर्स्ट वॉश सूख चुका है, थोड़ा सा येलो कलर बना लेते हैं। यहाँ पे ऑरेंज, यहाँ पे थोड़ा सा रेड, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू। स्टार्ट करते हैं येलो से। येलो में थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा रेड के बाद खूब सारा पानी। बाद वही पहले वाला स्प्रे बॉटल लेके स्प्रे कर दिया थोड़ा सा। अभी क्या करेंगे, फिर ड्रायर से सुखाएंगे। चलो अब एक और लेयर लगाते हैं। अभी ऑरेंज के साथ स्टार्ट किया, यहाँ पे येलो, फिर यहाँ पे ये रेड, थोड़ा सा ब्लू भी ऐड कर दिया, फिर रेड लगा के और फिर बड़ा ब्रश लेके खूब सारा पानी। फिर स्प्रे बॉटल से थोड़ा स्प्रे करते हैं, फिर ड्रायर से सुखाएंगे। अब इसके बाद फिर वही तीन कलर, ऑरेंज, रेड और थोड़ा ब्लू। अब सबका जो है पिगमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया है ताकि अच्छे से इफेक्ट आ सके किसी भी चीज का। बस फिर वही तरीके से पानी लगाएंगे। फिर एक बार स्प्रे बॉटल लेके थोड़ा ड्रायर से सुखाते हैं। फिर आप फाइनल लेयर लगाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा लाइट रेड बर्न से ना, थोड़ा सा पाइन स्क्रे, थोड़ा बीच में अपने आप जो कहीं कहीं बचे हैं
पिक्चर इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब हल्का सा पॉइंटेड ब्रश लेके सूखा ट्री प्लान करते हैं। देख सकते हैं कि सूखा ट्री आते ही लैंडस्केप की ब्यूटी और बढ़ गई। इसके साथ एक और देखिए, थोड़ा थोड़ा पाइस ग्रे हम लगा देंगे पत्थरों पे भी, थोड़ा ब्लैक। एक काम करते हैं, एक बार ड्राई से सुखाते हैं फिर आगे डिटेल करेंगे। अभी हमारा आर्ट वर्क तो ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसमें थोड़े से बर्ड्स बनाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा डार्क कलर लेके पत्थरों को थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। अब इसके बाद अगर फिगर कोई बनानी है तो बना सकते हैं। ये देखिए, दो फिगर्स भी बन गए। चलो सिग्नेचर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। खूब प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।